आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द की दाल से चंदिया और कढ़ी। कढ़ी तो हम बेसन से ही बनाएंगे, लेकिन हम चंदिया बनाने जा रहे हैं जो इसकी बनती है उड़द की दाल से। तो मेरे पास छिलके वाली दाल थी, तो मैंने उसको भिगो दिया 7 से 8 घंटे के लिए। लेकिन आप बिना छिलके वाली दाल को भिगो कर बनाएं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे काफ़ी टाइम लगता है इसको साफ करने। तो अब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मोस्टली पिस गई है ये, हल्की सी तो रह जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और बाकी की जो आपने पीसी हुई है, अगर आपको करना है तो और कर सकते हैं। मैं भी एक अब हम कढ़ाई रखेंगे, गैस देंगे, उसमें तेल डाल देंगे। और इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, इसे सिर्फ अच्छे से फेंट लेना है एक बार। उसमें हल्का सा हमें ऑयल डाल देना है, हमें ना ही मीठा सोडा डालना है, ना बेकिंग पाउडर डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। ऐसे ही इतना सॉफ्ट बन जाता है कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है कढ़ी के साथ। और अगर आप चाहें तो इसकी भल्ले टाइप में भी बना सकते हैं, रेसिपी तो कढ़ी के साथ खा कर देखिए, बहुत टेस्टी लगता है। ये हमारी दाल इसको कढ़ाई रखेंगे। ये हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम 2 मिनट के लिए पानी डाल देंगे, जितना पानी निकालेंगे तो आ जाए जितनी आपकी। बाउल में और हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी उसमें कुछ नहीं डालने, पानी में डालेंगे।
कपड़ा ले लिया हमने मलमल का, पतला सा, आपके पास कोई कपड़ा ऐसा ना हो तो पतला हैंकी होगा आपके पास, बिल्कुल वो ले सकते हैं आप, वाइट कलर का या कैसे भी। और इस पर हम अभी पानी लगाते जाएंगे, अभी हमारी कढ़ाई गर्म होने, अभी हमारी कढ़ाई गर्म होने का टाइम है। दाल गीली ना हो पाए, होने पाए, वरना बनाने में दिक्कत आएगी आपको। इतना पतला देख रहे हैं आप, इतना पतला बनाए तो नहीं ये फूल जाएगा बाद में, और फिर अच्छा रहेगा अगर आप मेरा बना। ये देखिए जब ये पानी में सॉफ्ट हो गए एकदम, तो मैंने पानी से बाहर निकाल के अलग से रख लेंगे। अब हम इनके लिए कढ़ी की तैयारी करने जा रहे हैं, अब हम कढ़ी बनाएंगे।